बहुत पुराने समय में एक क्वीन रहा करती थी एक किंगडम में, और उस किंगडम की रानी वही थी। तो एक दिन उसको ट्रेडिंग के बारे में एक आइडिया सूझा, तो वह गई अपने साइड वाले मतलब नेबर वाले किंगडम में गई। और नेबर वाले किंगडम का राजा कौन था क्या आपको पता है? कि नेबर वाला किंगडम का राजा था हमारा ओडिन। जी हाँ, ओडिन, जो स्मार्टी पाई के वीडियो में आपने सुना ही होगा कि ओडिन राजा। तो ओडिन के पास एक एसेसिनेट था, उसका नाम था विजार्ड, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था। तो एक बार हमारी रानी गई ओडिन के पास और ट्रेडिंग के बारे में बात कर रही थी, तो रानी ने कुछ ज़्यादा भाव बता दिया और उसके बाद हमारा जो ओडिन था वो गुस्सा हो गया। तो उसके बाद रानी ने उससे ट्रेडिंग नहीं किया, पर हमारा जो ओडिन था वो उसके ऊपर गुस्सा हो गया। रानी बहुत खूबसूरत दिखती थी, इसीलिए हमारे ओडिन ने काला जादू किया। हमारे ओडिन को काला जादू तो आता ही था, तो उसने काला जादू किया और हमारी जो क्वीन थी खूबसूरत थी उसको उसने एक कर्स दे दिया। तो हमारी जो क्वीन थी उसको कर्स मिलने के बाद वो बदसूरत से दिखने लगी, वो सब विच बुलाने लगे। वो ग्रीन ग्रीन एकदम हल्के की तरह दिख रही थी, इसको सब विच बुलाते थे। कोई भी उसके पास जाता तो वो उसको कोई सा भी इफेक्ट दे देती थी, जैसे पॉइजन का, आर्मिंग का, ब्लाइंडनेस का, वो कोई सा भी कर्स दे देती थी। तो उसके बाद उसने अपने लिए एक घर बनाया और उसी में एक छोटा सा घर बनाया और उसी घर में वो अभी तक रहती है। तो स्मार्टी पाई अभी अपने नए वीडियो में गए थे उससे हेल्प मांगने, तो उस अपनी चुड़ैल ने बोला कि मैं को पहले तुम खूबसूरत बनाओगे तभी मैं तुम्हारा काम करूँगी। तो स्मार्टी पाई ने उसका काम किया और उसको खूबसूरत बना दिया फिर से जैसे वो पहले थी। स्मार्टी पाई तो मेरे को तो लग रहा है कि स्मार्टी पाई आगे चल के उससे शादी कर लेंगे, उसको तो यही लगता है। लेकिन अभी वो बहुत खूबसूरत बन चुकी है, उसका कर्ज हट चुका है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।